जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस की। बट सबसे पहले हम समझ लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है। जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम उस कमोडिटी के डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं, और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाए तो हम उस कमोडिटी के डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी कमोडिटी का डिमांड सिर्फ उसके प्राइस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर, उस जगह का पॉपुलेशन। बट लॉ ऑफ डिमांड किसी भी कमोडिटी का डायरेक्ट प्राइस के साथ कंपेरिजन करता है, वो अदर फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट अज्यूम करता है, इनमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, प्राइस को छोड़कर बाकी सभी अदर फैक्टर्स की हम वन बाय वन इस वीडियो में स्टडी करेंगे। फर्स्ट अजम्पशन है कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ इनकम। अगर लॉ ऑफ डिमांड को प्रूफ करना है तो हमें कंज्यूमर के इनकम को कॉन्स्टेंट अज्यूम करना होगा, क्योंकि इनकम और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा तो उसका डिमांड भी इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल, मुकेश अंबानी की इतनी ज्यादा इनकम है कि उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उन्हें जो खरीदना होगा वो उसे डायरेक्ट खरीद सकते हैं। सेकेंड अजम्पशन है नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। लॉ ऑफ डिमांड ये अज्यूम करता है कि पॉपुलेशन में किसी भी टाइप का चेंज नहीं होना चाहिए, वो रिमेन कॉन्स्टेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट में जितने लोग मोबाइल और डेटा का यूज करते हैं, 10 साल बाद पॉपुलेशन के इंक्रीज हो जाने से मोबाइल और डेटा का यूज और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अजम्पशन है प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अज्यूम करो कि टी का प्राइस 10 रुपीज है एंड कॉफी का प्राइस 15 रुपीज। कॉफी का प्राइस 15 रुपीज, बट टी का प्राइस 10 से अगर 15 हो जाए और कॉफी का प्राइस 15 का रिमेन 15 ही रहे, तो बताइए आप किसे पीना पसंद करोगे? बट ऑब्वियसली आप कॉफी को पीना पसंद करोगे। लेकिन यहां पर कॉफी का जो डिमांड इंक्रीज हुआ है वो टी के वजह से हुआ है, क्योंकि टी का प्राइस इंक्रीज हुआ है। यहां पर कॉफी के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया है। लॉ ऑफ डिमांड हमसे कहता है कि जिस कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज होता है उसके प्राइस में चेंजेस आना चाहिए। तो बताइए, क्या यहां पर उसके प्राइस में कोई चेंज आया? नहीं आया। तो उसका डिमांड क्यों इंक्रीज हुआ? सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के वजह से। इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस को रिमेन कॉन्स्टेंट मानना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अज्यूम करो कि पेट्रोल का प्राइस 80 रुपीज है और एक बाइक का प्राइस 1 लाख है। बाइक का प्राइस कितना है? 1 लाख। तो अगर पेट्रोल का प्राइस 80 रुपीज से कम होकर 30 रुपीज हो जाए तो अज्यूम करो कि उस बाइक की डिमांड कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बाइक का प्राइस तो अभी भी 1 लाख है, बट इसके डिमांड में बहुत ज्यादा इंक्रीज आ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस 80 से 30 हो गया है। बट हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमसे यह कहता है कि जिस कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज होता है उसी के प्राइसेस में चेंजेस आना चाहिए। इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। बाइक का डिमांड तो इंक्रीज हुआ है बट बाइक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। चेंजेस आया है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में। यहां पर हमारा यह लॉ फेल हो जाता है। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड हमसे यह कहता है कि प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन
कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइजेस। लॉ ऑफ डिमांड हमसे यह कहता है कि कंज्यूमर को फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी के प्राइस की कम या ज्यादा होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अज्यूम करो कि प्रेजेंट में गोल्ड का प्राइस 50,000 है। प्रेजेंट में गोल्ड का प्राइस 50,000 है, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, बट कंज्यूमर अज्यूम कर रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, लेट से 60,000। ऐसे केस में हो सकता है कंज्यूमर आज ही बहुत सारे गोल्ड को खरीद ले, बट लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये कहता है कि ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा ये लॉ फेल हो जाएगा। नेक्स्ट अजम्पशन है नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रिफरेंस एंड फैशंस। लॉ ऑफ डिमांड हमसे ये कहता है कि कंज्यूमर के टेस्ट हैबिट प्रिफरेंस और फैशन में किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं आना चाहिए, वो रिमेन कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अज्यूम करो अगर किसी कमोडिटी की प्राइस सेम है बट कंज्यूमर को वो ज्यादा पसंद आ गई है, तो हो सकता है कि कंज्यूमर उस गुड्स को उस कमोडिटी को ज्यादा डिमांड करे। ऐसे केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। लास्ट अजम्पशन है नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट अगर किसी भी कमोडिटी पर टैक्स ज्यादा या कम लगा दे, इससे उस कमोडिटी का डिमांड भी कम या ज्यादा होता है। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड ये अज्यूम करता है कि टैक्सेशन पॉलिसी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, उसमें किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।